गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। टुडे वी स्टार्ट लेसन नंबर 28, द एल्फ सिंगिंग। एल्फ एक छोटा सा इमेजिनरी क्रीचर है, ओके, वी कैन से विथ मैजिकल पावर्स। यहाँ पे आपको मीनिंग दिया गया है, एल्फ का मतलब क्या होता है, एन इमेजिनरी क्रीचर, मतलब अपनी काल्पनिक सोच जो होती है, जिसे हम इमेजिन करते हैं ऐसा व्यक्ति हो सकता है। तो वैसे एल्फ एक इमेजिनरी क्रीचर है जिसके पास मैजिकल पावर है, ओके। ये अभी उस एल्फ की सिंगिंग के बारे में यहाँ पे इस पोएम में हमें एक्सप्लेन किया गया। एन एल्फ सैट ऑन ए ट्विग, ही वॉज नॉट वेरी बिग, ही सैंग अ लिटिल सॉन्ग, ही डिड नॉट थिंक इट रॉन्ग, बट ही वॉज ऑन विजर्ड्स क्राउन, हु हेटेड ऑल स्वीट साउंड, ओके। नाउ व्हाट द एल्फ इज डूइंग, देखिए यहाँ पे इट इज़ सीटिंग ऑन द ट्विग, जो पौधा है उसका जो ब्रांचेस है, टहनी है, उसमें बैठा हुआ है। तो व्हाट इज इट, एन एल्फ सेट ऑन अ ट्विग, इसको हम लोग ट्विग बोलते हैं इंग्लिश में, ओके, जो टहनी होती है उसमें। ही वॉज नॉट वेरी बिग, द एल्फ वॉज वेरी स्मॉल, इट्स अ वेरी स्मॉल क्रीचर, ही सैंग्स अ लिटिल सॉन्ग, ही डिड नॉट थिंक इट रॉन्ग, वो क्या कर रहा था, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग एंड ही डिडंट थिंक एनी रॉन्ग इन सिंगिंग सॉन्ग, ओके। उन्हें उसे कभी नहीं लगा कि जो गाना गा रहा है उससे कोई बुराई है गाने गाने में, तो अपने ही धुन में वो मस्त है गाना गाते हुए। पर वो कहाँ था, बट ही वॉज ऑन द विजार्ड ग्राउंड। विजार्ड भी एक ऐसे ये रहते हैं जिसके पास, एक इंसान होता है जिसके पास मैजिकल पावर होता है, जादू होती है उनके पास, ऐसे लोगों को हम लोग विजार्ड बोलते हैं। तो वो कहाँ पे था, ऐसे व्यक्ति, ऐसे जादूगर के ज़मीन पे वहाँ बैठे बैठे वो गाना गा रहा था, और उस विजार्ड को वो हेटेड ऑल स्वीट सॉन्ग, उसे उस विजार्ड को, उस जादूगर को गानों से बिल्कुल लगाव नहीं था, चिढ़ता, ओके। और वो वहाँ पे बैठे, उसके विजार्ड के ग्राउंड में बैठ के, जगह पे बैठ के गाना गा रहा। हेल्प हेल्प, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ही इज़ कमिंग बिहाइंड यू टू सीज यू एंड बाइंड यू एंड स्टिफल योर सॉन्ग। तो अभी एल्फ एल्फ को बोला जा रहा है कि हेल्फ एल्फ, तुम संभाल के रहो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ही इज़ कमिंग बिहाइंड यू, हु इज़ कमिंग बिहाइंड यू, दिस मैन द विजार्ड, विजार्ड तुम्हारे पीछे आ रहा है, तुम अपने आप को संभाल लो, टू सीज यू एंड बाइंड यू एंड स्टिफल योर सॉन्ग, तुम्हें क्या करने के लिए, तुम्हें पकड़ने के लिए, वो तुम्हारे पीछे आ रहा है, वो आके तुम्हें जकड़ लेगा, दबोच लेगा और तुम्हारे गाने को वो बंद कर देगा, ओके। Elf, elf, take care of yourself. He is coming behind you to seize you and bind you and stifle your song. तुम्हारे पीछे आके तुम्हें आके दबोच लगे कस के और तुम्हारे गाने को वो बंद कर देगा। Who is going to come there? The wizard. Okay? This is the wizard. जो जादूगर होते हैं और बहुत बुरे होते हैं. This is the this one. वो ऐसे wizard उनको बोलते हैं जो बुरे होते हैं. They have ill feelings and all. The wizard, he changes his shapes in crawling along an ugly old ape, a poisonous lizard. Okay, the wizard, अभी wizard सामने आ गया। He changes his shape in crawling along an ugly old ape, a poisonous lizard. अभी wizard जो जादूगर वगैरह होते हैं वो ऐसे माने जाते हैं, मतलब we keep it in the mind that in our this इमेजिनरी वर्ल्ड, हम ना ऐसे इमेजिनरी फैक्ट्स ये रहता है, फिक्शंस रहते हैं कि विजार्ड लोग बहुत ही बुरे होते हैं, वो कुछ भी जादू कर सकते, कोई भी रूप धारण कर सकते। तो इट इज़ मैंशनड हो गया कि दिस विजार्ड इज चेंजिंग द शेप, वो अपना शेप बदल रहा है, इन क्रॉलिंग हेलॉन एन अगली होल्ड एप, एप यू मतलब मंकी, ओके। तो वो अपना रूप चेंज किया है, एंड चेंजिंग इज शेप इन क्रॉलिंग अलोन एंड अगली होल्ड एप एंड ए पॉइजनस लिजर्ड, बाद में अपने आप को एक पॉइजनस लिजर्ड के रूप में वो चेंज होता है, मतलब दिस इट इज़ मैंशन दैट द विजर्ड इज चेंजिंग द शेप, वो अपना शेप चेंज करता है, बिकॉज वो बोलते हैं हम वो जादू ही होते, जादूगर होते, वो अपने आप को किसी तरह किसी रूप में भी डाल सकते। ये एक पोएम क्या है, फिक्शनरी है, ये काल्पनिक कहानी है, और काल्पनिक कहानी किसी भी हद तक हम लोग सोच सकते हैं, अपने दिमाग में ये ले सकते, तो ये काल्पनिक कहानी होने की वजह से, तो उसमें बताया गया कि विजर्ड क्या है, वो अपने शेप चेंज करता है, वो कभी होल्ड एप की तरह जाता है या क्रॉलिंग करते हुए जाता है या एक पॉइजनस लिजर्ड के रूप में टर्न हो जाता है। ए स्पॉटेड स्पाइडर, ए वॉमिट ग्लाइडर, द विजर्ड इज अप ऑन द बाउ, इज बाइट
through your gizzard. Is close to you now. What is saying? It again turns to spider. Once it turns to lizard, then it turns to spider, glider, everything. It keep on changing its form. अपनी आपको बदलता रहता है, एक डरावना रूप लेके. See over here. It is shown here. कभी वो लिजर्ड मॉन्स लिजर्ड बनता है, कभी स्पाइडर का रूप लेता है, कभी लार्वा एक बड़े कीड़े के रूप में लेता है, उसके पीछे लगता है. दिस इज व्हाट द पिक्चर शोज. ए स्पॉटेड स्पाइडर, ए वॉर्मिंग ग्लाइडर, द विजर्ड इज हप ऑन द बाव. बाव मीन्स ए मेन ब्रांच ऑफ अ ट्री. बाव का मतलब है एक मेन बड़ा सा ब्रांच जो पेड़ से है, पेड़ के है. He will bite through the gizzard. He is close to you now. बोलते हैं वो तुम्हारे बहुत पास है, वो तुम्हें चबा जाएगा. The hills went on with his song. He grew more clear and strong. He lifted him into the air. He floated singing away with rainbows in the hair. Okay, what he did? ये हेल्प ने क्या किया? The hills went on with his song. वो गाना गाते ही जा रहा था. He grew more clear and strong. वो अपने आप को बहुत क्लियर और स्ट्रॉन्ग बनाया एंड लिफ्टेड हिमसेल्फ, अपने आप को उठा के वो लास्ट में उड़ने शुरू करते. ई फ्लोटेड सिंगिंग अवे, वो गाना गाते गाते वो हवा में झूमता जा रहा था. मतलब ऐसे ही देखिए, इट इज़ फ्लाइंग. ओके, विथ रेनबोस इन हिज एयर. व्हाइल द विजर्ड वॉर्म फ्रॉम हिज क्रीप मेड अ सडन लीप फेल डाउन इन टू अ होल एंड एयर इज मैजिक वर्ड ई वुड से वॉज ईटन अप बाय अ मून. फिर क्या के इनको हेल्प को देख के व्हाट डिड द विजार्ड डू? इट ट्राइड टू जंप. एक लीप लेना मतलब एक उड़ा जंप लेना. ओके, अ बिग जंप. सी या उसको पकड़ने की कोशिश में वो एक बड़ा सा विजार्ड क्या करता है, जंप लेता है. और जंप लेते वक्त कहाँ पे गिर जाता है? वो गड्ढे में गिर जाता है. फेल डाउन इन टू अ होल एंड एयर इज मैजिक वर्ड ई कुड से वॉज ईटन अप बाय अ मून. और उस वक्त वहाँ पे जो मोल है, इस मोल एक एनिमल रहता है जिसमें बहुत सारे बाल होते हैं बदन पे, और वो ज़मीन के अंदर रहता है. ओके, मोल का मतलब एक ऐसा एनिमल होता है जिसके बदन में बहुत सारे बाल होते हैं, और मोस्टली इट इज़ अंडर द ग्राउंड. तो उसने क्या किया, इसको खा गया. ओके, मीनवाइल द विजर्ड मेड अ सडन लीप इन टू द प्लेस where he was creeping. He fell into the hole and before he could say his magic he was eaten up the moon. मतलब वो कोई जादुई शब्द इस्तेमाल करने से पहले क्या हुआ, वो जो मोल था, वो जो एनिमल था, उसको खा गए. इस तरह क्या हुआ, वो जो भयानक विजार्ड था, मॉन्स्टर था, वो मारा जाता है मोल की वजह से. ओके, दिस इज व्हाट द पोएम है. एक छोटा सा हेल्प का है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम. उसको एक अच्छी तरह से रीड कीजिए, समझ लीजिए. और यहाँ पे देयर आर मीनिंग्स गिवन टू यू. एल्फ, व्हाट इज दिस एल्फ? एन इमेजिनरी क्रीचर. इमेजिनरी मतलब जो हमारे काल्पनिक सोच दिमाग में होता है, दैट इज़ व्हाट ए क्रीचर, जिसे हम क्रिएट करते से मैजिकल पावर से. ट्विग, दैट इज अ स्मॉल थिन स्टेम ऑफ फूड दैट ग्रोज फ्रॉम द ब्रांच ऑन अ ट्री. अभी मैंने आपको बताया दिस इज व्हाट द ट्विग इज. टहनी. सीज, टेक होल्ड ऑन समबडी और समथिंग, किसी चीज़ पे हमारी पकड़ होना. ओके, सीज. स्टिफल, स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग. स्टिफल का मतलब है किसी चीज़ को हम होने से रोकना, कुछ गलत हो रहा है तो उसे हम रोक सकते, दैट इज स्टिफलिंग. ओके, बाव ए मैन ब्रांच अगेन ऑन द माउंट. बाव मैंने आपको यहाँ पे बताया एक क्या है, वो एक ब्रांच का, मेन ब्रांच का टुकड़ा ये है जो ट्री से लगा रहता है. गिजर्ड इज ए पार्ट ऑफ ए बर्ड स्टोमक. गिजर्ड क्या है, बर्ड का एक स्टोमक होता है एक पार्ट होता है बर्ड्स का स्टोमक का. एंड ईयर इज बिफोर मोल इज ए स्मॉल डार्क फरी एनिमल. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम. अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को सुन लीजिए, ताकि आपके समझ में आ जाए कि वो पोएम क्या है. एक काल्पनिक कहानी कथा है, पोएम है, जिसमें एक एल्फ के बारे में बताया गया और एक विजार्ड के बारे में बताया गया. जो एल्फ क्या करता है, विजार्ड की प्लेस में गाना गा रहा, अपनी धुन में गाना गाता रहता है, और विजार्ड उसके पीछे लग जाता है, उसे मारने देता है. वो अपने
मारने की कोशिश करता है उसे, हेल्प को तरह तरह के रूप, बहनक रूप करता है, अपने आप को चेंज करता है। लास्ट में हेल्प को पकड़ने के बहाने जब वो छलांग लगाता है तो गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में एक मोल नाम एक एनिमल है, वो उसे खा जाता है। दिस इज व्हाट द पोएम इज एंड एंड ऑफ द विज़ार्ड ऑल्सो। थैंक यू।